अर्थशास्त्र के अंतर्गत अनुसंधान के संपूर्ण प्रक्रिया में सांख्यिकी विधियों का प्रयोग क्रमबद्ध कैसे किया जाता है इसका हमने पूर्व के अध्यायों में अध्ययन किया हमने देखा कि अनुसंधान के लिए हम सर्वप्रथम आंकड़ों का संकलन करते हैं संकलित आंकड़ों को हम व्यवस्थित करते हैं और उनका वर्गीकरण करते हैं इसके पहले अध्याय में हमने देखा था कि किस प्रकार हम आंकड़ों को संकलित करते हैं कौन कौन सी विधियाँ होती है और आंकड़ों की प्रकृति के अनुसार किस प्रकार हम उन विधियों का प्रयोग अपने अनुसंधान में करते हैं अब हम देखेंगे कि वो आंकड़े जो हमने संकलित किए हुए हैं उनको किस प्रकार व्यवस्थित या वर्गीकृत किया जाए आंकड़ों को संकलित करके उनको अगर यूं ही छोड़ दिया जाए तो एक तो उनका अध्ययन बहुत कठिन हो जाएगा उनको समझना बहुत कठिन हो जाएगा और दूसरा आगे चलकर हम अनुसंधान में द्वितीयक समंक के रूप में भी उसका उपयोग कभी नहीं कर पाएंगे आंकड़ों के व्यवस्थीकरण के इसी महत्ता को देखते हुए प्रोफेसर जे आर हिक्स ने कहा है वर्गीकृत एवं क्रमबद्ध तथ्य स्वयं बोलते हैं अव्यवस्थित रूप से वे मांस की भांति मृत हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भी हमने आंकड़ों का संकलन किया है अगर हम उनको व्यवस्थित तरीके से लिख दें तो उनको समझने के लिए हमको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जैसे एक उदाहरण के तौर पर जनगणना 2011 के आंकड़े मान लीजिए उन्नीस से उन्नीस तक के आंकड़े हैं हमारे पास अगर हम उनको कुछ इस तरह से अव्यवस्थित रूप से कहीं भी लिख दें कहीं पर भी हम जनसंख्या की स्थिति को दर्शाएं कहीं पे भी साक्षरता ये अव्यवस्थित आंकड़े इधर उधर पड़े हैं इनको समझने के लिए बहुत हमको मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन इन्हीं आंकड़ों को अगर हम व्यवस्थित कर दें या वर्गीकृत कर दें और इस तरह एक टेबल बनाकर हम इनको लिख दें तो ये आंकड़ों को किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो भी व्यक्ति इन आंकड़ों को देखेगा वह सम वह स्वयं समझ जाएगा कि ये किस प्रकार के आंकड़े हैं इसीलिए प्रोफेसर हिक्स ने कहा है कि अगर वो क्रमबद्ध है व्यवस्थित है, तो वे वे स्वयं बोलेंगे वे स्वयं बताएंगे कि वो किस चीज़ के आंकड़े हैं और अगर वो व्यवस्थित नहीं है तो वो मृत प्राय इधर उधर पड़े रहेंगे उनको हम समझ नहीं पाएंगे अगर हम आंकड़ों के वर्गीकरण की बात करें तो इसको हम दो अलग अलग भागों में बांट कर इसका अध्ययन करेंगे कौन कौन से दो भाग हैं एक तो समंकों का वर्गीकरण और सारणियन करना और दूसरा समंकों का संपादन करना यानी एडिटिंग करना तो समंकों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन और सारणियन यानी कि टेबुलेशन जब हम करते हैं तो किस किस आधार पर हम ये काम करते हैं या ये देखते हैं एक तो उसके गुण के आधार पर हम करते हैं जितने भी हमारे पास समंक रहते हैं उसमें वो अलग अलग गुण अलग अलग प्रकृति अलग अलग स्वभाव के होते हैं तो उनको गुण प्रकृति या स्वभाव के आधार पर हम वर्गीकृत कर देते हैं क्या क्या इनके गुण प्रकृति या स्वभाव हो सकता है इनको हम सजातीयता के आधार पर वर्गीकृत करते हैं जैसे कि हमने समंकों के संकलन के अंतर्गत देखा कि दो तरह के समंकों का हम संकलन करते हैं एक सजातीय समंक होते हैं और एक विजातीय होते हैं तो जो सजातीय होते हैं तो वो तो जाहिर सी बात है कि एक ही तरह के हैं तो उनको अलग से वर्गीकृत करने की जरूरत नहीं पड़ती लेकिन विजातीय जो आंकड़े हमको मिलते हैं उनको हमको अलग अलग समूहों में वर्गीकृत करना पड़ता है तो विजातीयता के कारण एक तो हमको वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ती है तो हम यहाँ पर अलग अलग समूहों में उसको बांटते हैं यही वर्गीकरण कहलाता है जैसे मान लीजिए हम किसी विद्यालय में बालक और बालिकाओं पर कोई अध्ययन करना चाह रहे हैं तो एक ही तरह से हम न्यायदर्श को नहीं चुनेंगे जैसा कि हमने न्यायदर्श के अध्याय में पढ़ा है यहाँ हमको बालक को अलग करना पड़ेगा और बालिकाओं को अलग करना पड़ेगा तो यही वर्गीकरण क्योंकि लिंग के आधार पर हमने वर्गीकरण कर दिया तो यही वर्गीकरण सजातीयता के आधार पर वर्गीकरण कहलाएगा दूसरी बात एक उदाहरण हम देख सकते हैं आय वर्ग के अनुसार भी हमने वर्गीकरण का उदाहरण देखा का, देखा था कि श्रमिकों पर अगर कोई अनुसंधान करना है तो सभी श्रमिक एक जैसे नहीं हैं सबकी आय में भिन्नता होगी उनकी योग्यता में कार्य क्षमता में भिन्नता होगी तो इसी तरह श्रमिकों को उनकी आय योग्यता या क्षमता के अनुसार अलग अलग बांट देना यानी अभी वो विजातीय हैं उनको उनकी सजातीयता के आधार पर अलग अलग बांट देना यही वर्गीकरण कहलाता है तो ये थी समंकों के वर्गीकरण की बात वर्गीकरण को और अच्छे से समझने के लिए आई एक परिभाषा देखते हैं स्पूर और स्मिथ के अनुसार संबंधित तथ्यों को व्यवस्थित करके वर्गों में प्रस्तुत करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं बहुत साधारण सी परिभाषा है कि हमने जो समंक संकलित किए हैं उनको हम सजातीयता के आधार पर व्यवस्थित कर लें और अलग अलग वर्गों में उनके गुण उनके स्वभाव उनके प्रकृति के आधार पर अलग अलग वर्गों में हम वर्गीकृत कर लें तो ये जो पूरी प्रक्रिया है ये वर्गीकरण कहलाती है अब अगर हम वर्गीकरण की जो प्रक्रिया है उसके मुख्य लक्षणों पर बात करें तो वर्गीकरण की प्रक्रिया का सबसे मुख्य लक्षण हमको देखने मिलता है कि विभिन्न वर्ग बन जाते हैं जाहिर सी बात है जब हम किसी समंक का ये जो हमने आंकड़े एकत्र किए हैं उनका सजातीयता के आधार पर वर्गीकरण करेंगे तो बहुत से वर्ग बन जाएंगे उदाहरण के तौर पर श्रमिकों की 600 संख्या है उनको हम उनकी योग्यता और आय के आधार पर तीन वर्गों में बांट देते हैं 200 200 और 200 के तीन वर्ग बन गए तो यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है कि वर्गीकरण के कारण बहुत सारे वर्ग बन गए दूसरी इसकी विशेषता हम कह सकते हैं कि ये जो वर्ग बनते हैं उनमें समानता होती है सदृश्यता होती है और उनके गुण एक होते हैं जैसे मैंने अभी एक आपको एग्जाम्पल दिया कि श्रमिकों का जो वर्गीकरण किया गया वो उनके गुण उनकी कार्य क्षमता उनकी योग्यता या उनकी आय के आधार पर किया गया तो जाहिर सी बात है कि इस तरह का जब हम वर्गीकरण करते हैं तो प्रत्येक वर्ग में सजातीयता होती है समानता होती है यह हम कह सकते हैं कि सदृश्यता होती है अगली विशेषता हमें कह सकते हैं कि ये जो वर्गीकरण होता है वो यथार्थ भी हो सकता है और काल्पनिक भी हो सकता है यानी कि हम उसको दिखा कर स्पष्ट करके अलग अलग वर्गों में बांट कर भी अध्ययन कर सकते हैं या हम काल्पनिक आधार पर तथ्य किस तरह के हैं उसको सोच विचार करके भी उसका वर्गीकरण हम कर सकते हैं वैसे ही अगर देखा जाए तो पदों में भिन्नता तो होती है लेकिन एकता भी होती है एक उदाहरण से हम इस आ, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे जैसे कि मैंने बताया कि 600 श्रमिकों को 200 200 200 श्रमिकों में हमने योग्यता के अनुसार बांट दिया तो हालांकि इन तीनों समूह में भिन्नता है क्योंकि ये तीनों समूह भिन्न भिन्न आय वर्ग के हैं लेकिन फिर भी इनमें एक समानता है कि ये तीनों ही श्रमिक हैं तो वर्गीकरण के पश्चात समूह में भिन्नता आती है लेकिन फिर भी वो सामूहिक रूप से किसी न किसी एकता को ही प्रदर्शित करते हैं तो ये बात थी वर्गीकरण के लक्षणों की अब अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें कि क्यों वर्गीकरण किया जाए किस उद्देश्य से किया जाए तो सबसे पहली बात आती है कि सरल बनाने के लिए जैसा कि हमने प्रोफेसर जे आर हिक्स की परिभाषा में देखा कि अगर हम समंकों को अव्यवस्थित इधर उधर रहने देते हैं तो वो उनको समझना हमारे हमारे लिए बहुत कठिन है लेकिन अगर हम उन समंकों को व्यवस्थित कर दें तो हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं तो आसान बनाने के लिए समझ आसानी से समझने के लिए वर्गीकरण करना आवश्यक है ऐसे ही हम इसके अगले उद्देश्य की बात करें तो संक्षिप्तता के लिए यानी एक सारबद्ध सार गर्भित करने के लिए आसानी से समझ में आ जाए और शॉर्ट फॉर्म उसका हमको मिल जाए इसलिए भी हम वर्गीकरण करते हैं जैसे उदाहरण के तौर पर हमने जनसंख्या के आंकड़ों को देखा था वर्ष उन्नीस से लेकर उन्नीस तक की जनगणना के आंकड़ों को हमने देखा था कि हम इसको अस्त व्यस्त ना करके जब सारणीबद्ध करके इसको संक्षिप्त कर देते हैं तो किस तरह से ये आंकड़े छोटी सी जगह में संक्षिप्त होकर आसानी से हमारे सामने आ जाते हैं और हम आसानी से इनको समझ भी सकते हैं ठीक इसी तरह तुलना अगर करनी है तो अव्यवस्थित आंकड़ों की तुलना करना बहुत कठिन है जब इन्हीं आंकड़ों को व्यवस्थित कर दे और दो टेबल एक दूसरे के आमने सामने जब हम रख देते हैं तो बहुत आसानी से इनकी तुलना की जा सकती है इसी तरह निर्णय अगर हमको लेना है समंकों का संकलन करने के बाद जब हम उनका वर्गीकरण या व्यवस्थिकरण करते हैं सारणियन करते हैं और उसके बाद जब हम ग्राफिकल प्रदर्शन करने के बाद निर्णय लेते हैं उसका निष्कर्ष निकालते हैं तो वहाँ पर अगर सारणीबद्ध है कोई आंकड़े व्यवस्थित है कोई आंकड़े तो जाहिर सी बात है हम उनको आसानी से समझ लेते हैं और जब वो आसानी से हमारी समझ में आ जाते हैं तो हम उनके उनके बारे में बहुत आसानी से सही निर्णय ले पाते हैं तो ये इनके उद्देश्यों की बात थी एक उद्देश्य ये भी कहा जा सकता है कि सांख्यिकी को सम्मान देना है क्योंकि अगर हम उनको व्यवस्थित ना करें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ना दें तो सांख्यिकी का महत्व ही क्या है फिर अनुसंधान में यानी आपने जो रिसर्च किया जो आंकड़े मिले उनको आप अपने शब्दों में आपने लिख लिया आप समझ लिए सांख्यिकी का प्रयोग तो वहाँ पे हुआ नहीं जब तक आप आंकड़ों को संकलित करके व्यवस्थित करके सारणीबद्ध करके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं देते तब तक ये माना जाता है कि सांख्यिकी का आपने प्रयोग कहीं नहीं किया तो एक बात ये भी कही जा सकती है कि भाई सांख्यिकी को सम्मान देना है तो एक उद्देश्य के रूप में इसका प्रयोग हमको करना चाहिए अब अगर हम बात आदर्श वर्गीकरण की करें यानी कौन सा वर्गीकरण है जिसको हम कह सकते हैं कि ये आदर्शात्मक रूप में है ये बहुत अच्छा है इसी तरह वर्गीकरण सभी को करना चाहिए तो अगर हमको अपने वर्गीकरण को आदर्शात्मक बनाना है तो कौन कौन से बिंदु इसमें शामिल करने चाहिए पहली बात कि उद्देश्य के अनुरूप हमको वर्गीकरण करना चाहिए जैसे हमको श्रमिकों की आय पर अनुसंधान करना है अब हम वर्गीकरण जो करेंगे उनकी आय के अनुसार अलग अलग वर्गों में उनको विभाजित करके करेंगे अगर हम श्रमिकों की कार्य क्षमता के आधार पर विभाजन कर दिए श्रमिकों की आयु के अनुसार उनका विभाजन कर दिए तो हमारा उद्देश्य कहाँ पूरा होता है हमारा उद्देश्य था श्रमिकों की आय पर अध्ययन करना तो उद्देश्य पूर्ण विभाजन होना चाहिए दूसरी बात यहाँ ये आती है कि संदिग्धता नहीं होनी चाहिए जो आंकड़े हैं उनका वर्गीकरण आसानी से समझ में आ जाए ऐसा वर्गीकरण करना चाहिए जैसे हम एक उदाहरण लेकर चल रहे हैं कि श्रमिकों का हमने वर्गीकरण यहाँ पे किया हमको वहाँ पर स्पष्ट करना होगा कि ये वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है आय के आधार पर किया गया है योग्यता के आधार पर किया गया है आयु के आधार पर किया गया है ये स्पष्ट होना चाहिए किसी भी प्रकार की संदिग्धता कोई भी डाउटफुल कंडीशन वहाँ पर नहीं होनी चाहिए अगला अगर हम इसके आदर्श की बात करें तो सजातीयता हमने बहुत बहुत बार पढ़ा अभी तक के अध्यायों में कि सजातीयता और विजातीयता के आधार पर वर्गीकरण हम करते हैं जब विजातीय समूह होते हैं जब समंक विजातीय होते हैं तो हम उनका अध्ययन करने के लिए उनको सजातीयता के आधार पर अलग अलग भागों में बांट देते हैं जैसे हमको साक्षरता का अध्ययन महिला के लिए भी करना है पुरुष के लिए भी करना है अठारह वर्ष से कम आयु वर्ग के बालक के लिए करना है बालिका के लिए करना है तो यहाँ पर हम महिलाओं को अलग कर देंगे पुरुषों को अलग कर देंगे 18 वर्ष से कम उम्र के बालकों को अलग कर देंगे और 18 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं को अलग कर देंगे अब अगर हम देखते हैं तो ये सजातीय हैं एक ही वर्ग के एक ही वर्ग के यहाँ पे चार ग्रुप बन गए तो सजातीयता के आधार पर ही वर्गीकरण हो इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है अगले इसके आदर्श की हम बात करें तो स्थिरता होनी चाहिए यानी कि जिस तरह का वर्गीकरण कर दिया गया है संपूर्ण अनुसंधान की प्रक्रिया में उसी वर्गीकरण के आधार पर हमको निर्णय लेना है लोचशीलता की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं होने चाहिए अनुसंधान की प्रक्रिया के अनुसार अगर कहीं पर जरूरत हो तो इन वर्गीकरण को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ, आगे पीछे किया जाए इतनी लोचता उसमें बनी रहनी चाहिए एक और आदर्श इसमें ये हो सकता है कि आकार जो है उसका वो उचित होना चाहिए जैसे हमने पहले के अध्यायों में देखा कि वर्गीकरण हमने किया है और उसमें से हम कोई न्यादर्श ले रहे हैं किसी इकाई का हम चयन कर रहे हैं तो वो इकाई इतनी छोटी भी ना हो कि जिस चीज़ के लिए हम अनुसंधान कर रहे हैं वो पता ही ना चल पाए तो अगर इनका हम वर्गीकरण कर रहे हैं तो जो ग्रुप बनते हैं उनके आकार भी उचित होने चाहिए जैसे हमने देखा कि 600 श्रमिकों पर हम अनुसंधान कर रहे हैं तो हम हमने इनके योग्यता के आधार पर या आय या कार्य क्षमता जिसमें भी हमको वर्गीकरण करना है उसके आधार पर हमको इनके छोटे छोटे इस प्रकार के समूह बनाने हैं जिससे हम आसानी से अनुसंधान की पूरी प्रक्रिया को कम्प्लीट कर पाएं। तो आकार का उचित होना भी एक आदर्श सांख्यिकी के अंतर्गत आदर्श वर्गीकरण कहलाता है अब अगर हम वर्गीकरण की विधियों की बात करें वर्गीकरण की जो विधियां हैं उनको हम चार भागों में बांट सकते हैं कौन कौन से चार भाग एक तो समयानुसार बांटा जा सकता है दूसरा भौगोलिक या क्षेत्र के आधार पर बांटा जा सकता है गुणात्मक आधार पर बांटा जा सकता है और संख्यात्मक आधार पर बांटा जा सकता है सबसे पहले अगर हम समयानुसार बात करें कि समयानुसार वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है जैसे कि नाम से स्पष्ट है समयानुसार मतलब समय के अनुसार उदाहरण के तौर पर यहाँ पर हम आंकड़े देख रहे हैं जनगणना वर्ष उन्नीस से लेकर उन्नीस तक यहाँ हम देख पा रहे हैं कि वर्ष उन्नीस सौ की जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या दर थी वो छत्तीस दशमलव एक प्रतिशत उन्नीस की तिरालीस दशमलव आठ उन्नीस की चौवन दशमलव छः उन्नीस की अड़सठ दशमलव चार और उन्नीस की चौरासी दशमलव आठ अब क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है कि समय हम किसके अनुसार यहाँ पे वर्गीकरण कर रहे हैं समय के अनुसार हमने हर दस साल का यहाँ पर आंकड़ा लिया हुआ है और उस वो जब वहाँ पर जनगणना हुई थी तो उसका समय क्या था वो कौन सा ईयर था कौन सा वर्ष था उसके अनुसार हमने यहाँ पर वर्गीकरण किया है तो ये जो समय के अनुसार हमने यहाँ पर वर्गीकरण किया है समयानुसार वर्गीकरण कहलाता है दूसरी अगर हम बात करें भौगोलिक वर्गीकरण की तो ये भौगोलिकता था के आधार पर अलग अलग क्षेत्र के आधार पर इसका वर्गीकरण स्पष्ट इस किया जाता है जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम बात करें वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार साक्षरता दर की अगर हम क्षेत्र के अनुसार भौगोलिक स्थिति के अनुसार हम वर्गीकरण करें तो कुछ इस तरह से वर्गीकरण हम देख पाएंगे जैसे हिमाचल प्रदेश में तिरासी दशमलव सात आठ प्रतिशत पंजाब में छिहत्तर दशमलव छः आठ प्रतिशत हरियाणा की बात करें तो छिहत्तर दशमलव छः चार प्रतिशत दिल्ली की बात करें तो छियासी दशमलव तीन चार प्रतिशत बिहार की बात करें तो तिरसठ दशमलव आठ दो प्रतिशत तो ये जो हमने विभाजन किया है ये क्षेत्र के आधार पर अलग अलग भाग अलग अलग वर्ग बनाए हैं तो क्षेत्र के आधार पर जो वर्गीकरण किए जाते हैं वे भौगोलिक वर्गीकरण कहलाते हैं तीसरा जो इसका वर्गीकरण है गुणात्मक वर्गीकरण गुणात्मक यानी गुण के आधार पर वर्गीकरण अब जब हम गुणात्मक वर्गीकरण की बात करते हैं तो ये अपने आप में दो भागों में विभाजित हो जाता है कौन कौन से दो भाग द्वंदभाजन वर्गीकरण और दूसरा बहुगुण वर्गीकरण द्वंद्व वर्गीकरण की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम गुणों को और अगुणों को दोनों को स्पष्ट करते हैं दोनों को अलग अलग नाम देते हैं एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताती हूँ कि मान लीजिए गुणों को हमने कैपिटल ए नाम दिया और जो अगुण है उनको हमने स्मॉल ए नाम दिया या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि गुणों की उपस्थिति और गुणों की अनुपस्थिति तो गुणों की उपस्थिति को हमने कैपिटल ए कहा और गुणों की अनुपस्थिति को हमने स्मॉल ए कहा अब एक उदाहरण के तौर पर हम इसको समझें कि शिक्षित को हमने कैपिटल ए कहा अशिक्षित को हमने स्मॉल ए कहा वैसे ही रोजगार प्राप्त को हमने कैपिटल बी कहा और बेरोजगारों को हमने स्मॉल बी कहा अब अगर हमको यहाँ पर दर्शाना है शिक्षित रोजगार प्राप्त तो हम क्या लिखेंगे हम लिखेंगे ब्रैकेट में कैपिटल ए कैपिटल बी क्योंकि शिक्षित को हमने कैपिटल ए माना है और रोजगार प्राप्त को हमने कैपिटल बी माना है बिल्कुल इसी तरह अगर हम बात करें शिक्षित बेरोजगार की तो यहाँ पर हम लिखेंगे शिक्षित बेरोजगार को कैपिटल ए स्मॉल बी क्यों क्योंकि शिक्षित को हमने कैपिटल ए माना और बेरोज़गार को हमने स्मॉल बी माना तो ये जो वर्गीकरण है ये द्वंद्वभाजक वर्गीकरण कहलाता है यहाँ पर गुणों की उपस्थिति और गुणों की अनुपस्थिति दोनों ही मायने रखती है और उन्हीं गुणों की उपस्थिति और गुणों की अनुपस्थिति के आधार पर वर्ग विभाजन किया जाता है तो गुणात्मक वर्गीकरण के अगर हम दूसरे भाग की बात करें तो वो कहलाता है बहुगुण वर्गीकरण एक ही क्षेत्र में जब हम अनुसंधान कर रहे है होते हैं तो जो हमारे आंकड़ों के संकलन के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे बहुत से गुण निकल कर आते हैं तो उनके आधार पर जब हम वर्गीकृत करते हैं तो कुछ इस तरह का डाटा हमको मिलता है जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर एक कॉलेज में छात्रों की संख्या को हम वर्गीकृत करते हैं तो कॉलेज में छात्र जो है वो विभिन्न स्तर के होंगे स्त्री होंगे पुरुष बालक होंगे या बालिका और उनके स्तर भी भिन्न भिन्न होंगे तो यहाँ पर हम किस प्रकार का वर्गीकरण करेंगे अगर हम किसी कॉलेज में छात्रों की संख्या को वर्गीकृत करें मान लीजिए इनको हम दो श्रेणियों में बांटते हैं कला विषय के आधार पर और विज्ञान विषय के आधार पर अब कला विषय में भी दो प्रकार की श्रेणी आएंगी स्नातक विद्यार्थी और स्नातकोत्तर विद्यार्थी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बिल्कुल ऐसा ही वर्गीकरण विज्ञान के विषय में भी होगा स्नातक यानी ग्रेजुएशन में जो विद्यार्थी हैं और स्नाकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में जो विद्यार्थी हैं अब इसके अंदर भी कुछ वर्गीकरण आ जाएंगे जैसे स्नातक विद्यार्थियों में छात्रों को अलग कर देना छात्राओं को अलग कर देना स्नाकोत्तर में छात्रों को अलग कर देना और छात्राओं को अलग कर देना ये कला का वर्गीकरण था और ऐसे ही विज्ञान विषय के अंतर्गत जो स्नातक और स्नाकोत्तर स्तर के विद्यार्थी हैं उनमें भी छात्रों को अलग कर देना छात्राओं को अलग और दूसरा जो स्नाकोत्तर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी छात्र अलग और छात्राओं को अलग तो ये जब हम वर्गीकरण करते हैं तो कितने सारे गुण थे एक तो हम बात कर रहे हैं विद्यार्थी की विद्यार्थी के दो गुण देखे हमने कुछ कला के हैं कुछ विज्ञान के उनमें भी हमने दो गुण देखे कुछ स्नातक स्तर के हैं कुछ स्नातकोत्तर उनमें भी दो गुण हैं कुछ बालक हैं और कुछ बालिका है तो इस तरह का जब क्लासिफिकेशन किया जाता है तो वो बहुगुणक वर्गीकरण कहलाता है अब वर्गीकरण का एक और प्रकार आता है संख्यात्मक वर्गीकरण यहाँ पर भी नाम से ही पता चल रहा है कि संख्या के आधार पर हमको वर्गीकरण करना है जहाँ पर भी संख्याएं मिल जाए जैसे वजन के अनुसार कुछ संख्या मिल जाए दूरी के अनुसार कुछ संख्याएं मिल जाए आयु के अनुसार कुछ संख्याएं मिल जाए तो इन संख्याओं के आधार पर जो हम वर्गीकरण करते हैं वे सारे वर्गीकरण संख्यात्मक वर्गीकरण कहलाते हैं इन संख्याओं को सामान्यतः अव्यवस्थित रूप में न लिख कर एक व्यवस्थित रूप दिया जाता है सारणीबद्ध इनको कर दिया जाता है और इनके कुछ ग्रुप बना दिए जाते हैं एक उदाहरण के तौर पर हम इसको यहाँ देखेंगे जैसे किसी कक्षा में छात्रों की संख्या और उनके प्राप्तांक को अगर हम सारणीबद्ध करते हैं तो कुछ इस तरह का एक हम टेबल बना सकते हैं इसके आधार पर 10 से 20 नंबर जो मिले हैं उनके छात्रों की संख्या लगभग पाँच है 20 से 30 के बीच अंक पाने वाले छात्रों की संख्या 10 है तीस से चालीस अंक पाने वाले छात्रों की संख्या आठ है और चालीस से पचास अंक पाने वाले छात्रों की संख्या 6 है तो इस तरह से हमने संख्या के आधार पर इनका वर्गीकरण किया है जो कि संख्यात्मक वर्गीकरण कहलाता है इसी उदाहरण के आधार पर हम संख्यात्मक वर्गीकरण में कुछ जो इसके तथ्य सामने निकल कर आते हैं कुछ शब्दों का हम प्रयोग करते हैं सांख्यिकी के अंतर्गत उनको भी हम इसी एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे अगर पहली एक इसकी एक बात निकल के आती है कि इसके अंतर्गत एक शब्द आता है वर्ग सीमाएं जिसको हम कहते हैं क्लास इंटरवल इस उदाहरण में हम देख रहे हैं कि वर्ग की जो सीमाएं हैं यानी 10 से 20 20 से तीस से चालीस चालीस से पचास तो शुरू होता है दस से ख़त्म होता है बीस पे शुरू होता है बीस पे ख़त्म होता है तीस पे इस तरह की वर्गों की क्या हो गई हैं सीमाएं बन गई हैं इन्हीं को हम बोलते हैं वर्ग सीमाएं। इसको हम और विस्तारित रूप से आगे अध्ययन करेंगे दूसरी एक बात जो इसमें निकल कर आती है वर्ग विस्तार दोनों के बीच का जो डिफरेंस है अगर हम वर्ग क्लास इंटरवल यानी कि वर्ग सीमाओं की बात करें तो ये जो प्रारंभिक जो लाइन है इसकी जो 10 से 20, तो यहाँ पर पहली सीमा जो है 10, उसको हम बोलेंगे L1, यानी कि लोअर लिमिट और दूसरी जो सीमा है जहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है L2, 20 जो है उसको हम L2 बोलेंगे वैसे ही अगले क्रम में 20 जो है वो L1 और 30 L2 कहलाएगा उसके अगले क्रम में 30 जो है वो L1 और 40 जो है वो L2 कहलाएगा इस प्रकार एक क्लास इंटरवल बन जाता है अब अगर हम बात वर्ग विस्तार की करें तो अगर हम L1 को L2 से माइनस करते हैं दोनों का डिफरेंस देखते हैं L1 और L2 का तो वो वर्ग विस्तार है जिसको कि हम सांख्यिकी गणनाओं के रूप में आगे और अधिक विस्तार से पढ़ेंगे इसके बाद मध्य मूल्य की अगर हम बात करें मिड वैल्यू तो मिड वैल्यू का सीधा सा फार्मूला है एल वन और एल टू को हम प्लस करेंगे एल वन प्लस एल टू डिवाइडेड बाई टू इस फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे एल वन प्लस एल टू डिवाइडेड बाई टू इसी में हम उदाहरण के तौर पर समझेंगे मान लीजिए पहले वर्ग में L1 है 10 और L2 है 20. तो यहाँ पर मिड वैल्यू निकालने के लिए हम 10 प्लस ट्वेंटी डिवाइडेड बाई टू करेंगे तो ये हो गया 30 डिवाइडेड बाई टू इक्वल टू फिफ्टीन यानी कि यहाँ पर इसकी मिड वैल्यू हो गई 15। एक और उदाहरण हम देखते हैं अगर हम दूसरे वर्ग की बात करें तो यहाँ पर एल वन है 20, एल टू है 30। एल वन प्लस एल टू ट्वेंटी प्लस थर्टी डिवाइडेड बाय टू यानी कि फिफ्टी डिवाइडेड बाय टू ट्वेंटी फाइव इसकी मिड वैल्यू होगी ट्वेंटी फाइव तो प्रत्येक स्तर में जहां पर भी हमको मिड वैल्यू की ज़रूरत है वहां पर हम एल वन प्लस एल टू डिवाइडेड बाई टू फॉर्मूला यूज़ करेंगे एक और यहाँ पर बात बता दूँ कि ज़्यादातर इन श्रेणियों में जो L1 और L2 का डिफरेंस है वो सभी स्तरों पर समान रहता है तो ये इसके कुछ शब्द थे जो इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे आगे चलकर वर्ग आवृत्ति की अगर हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी नाम से ही स्पष्ट है आवृत्ति इस सारणी में हम देख रहे हैं कि 10 से 20 तक का प्राप्तांक पाँच छात्रों को मिला है बीस से तीस का जो प्राप्तांक है बीस से तीस के बीच में नंबर मिले हैं दस छात्रों को तीस से चालीस के बीच में नंबर मिले हैं आठ छात्रों को और चालीस से पचास के बीच नंबर मिले हैं छः छात्रों को तो ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, छात्रों की संख्या है पाँच छात्र दस छात्र आठ छात्रों और 6 छः छात्र ये स्टूडेंट्स की संख्या है इतने लोगों को इतने ही नंबर इसके बीच के ही नंबर मिले हैं यानी रिपीटेशन है, है आवृत्ति है तो ये जो संख्याएं कहलाती है छात्रों की जो संख्याएं हैं इनको हम फ्रिक्वेंसी कहते हैं आवृत्ति कहते हैं जिसको हम कैलकुलेशन के दौरान कैपिटल एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं तो ये रही बात वर्ग संख्यात्मक वर्गीकरण की